एवरीवन कैसे हैं आप सब है ना आई होप आप सब अच्छे होंगे बिल्कुल हेलो एवरीवन जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जैसे कि आप बिल्कुल देख पा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स को लेकर मैं आ चुका हूं फर्स्ट मे से थर्टी फर्स्ट मे तक की फर्स्ट मे से थर्टी फर्स्ट तक की जो भी न्यूज रही है उन न्यूज के बिहाफ पर उन फैक्ट्स के बिहाफ पर उनके पॉइंट्स के पर हाँ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है approach 130 approach नहीं, 130 नहीं एग्जैक्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे पूरा मंथ का हम लोगों का क्या हो जाएगा रिविजन हो जाएगा डियर है ना फर्स्ट मे से थर्टी फर्स्ट मे यानी ओवरऑल हम पूरे मे को रिवीजन करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तक क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशंस को भी हम लोग कमेंट बॉक्स एक्सप्लेनेशन भी हम लोग उसके साथ ही देखते चलेंगे कुछ पॉइंट और फैक्ट्स बनेंगे तो उनको ऐड करते चलेंगे ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो सेशन बहुत ही आ, लेंदी हो जाएगा डेली करंट अफेयर्स में जो न्यूज डिस्कस होती है वहां से आप फैक्ट्स और पॉइंट हम कनेक्ट करते ही चलते हैं लेकिन मंथली एंड वीकली वाले जो सेशन होते हैं वहां पर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं रिकॉल करने की कोशिश करते हैं है ना डियर, तो चलिए ये तो बिल्कुल इस सेशन से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जानकारी थी इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिल्कुल डियर देख पा रहे हैं सर एपीजे जे अब्दुल कलाम सर की बात हो रही है और यहां पर अगर हम सर की बात करें सर की लाइफ से सीखने की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो सीखा जा सकता है बहुत कुछ ऐसा है जो फॉलो किया जा सकता है अगर हम सर की बात करने आज शुरू करें तो मुझे लगता है कि दिन कम पड़ जाएगा हफ्ते कम पड़ जाएंगे लेकिन सर की बातें खत्म नहीं होंगी बहुत ही एक कॉमन सा एक मैं सेइंग कोट लेकर आया हूं सर का सर एपी अब्दुल कलाम जी का प्रॉब्लम्स आर कॉमन प्रॉब्लम्स आर कॉमन बैट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस बिल्कुल डियर बिल्कुल सर का कहना था कि प्रॉब्लम्स आर कॉमन समस्याएं सभी के साथ हैं है ना किसी के साथ कोई समस्या है किसी के साथ कोई है, सभी की समस्या है आर कॉमन है लेकिन जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए डिफरेंट है कि भाई एटीट्यूड आप किसी समस्या के लिए किसी प्रॉब्लम के लिए किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं जैसे बिल्कुल एक बहुत ही फेमस बुक है आप सभी ने सुना होगा उसका नाम भी है ना उसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है क्या जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते वो हर काम अलग ढंग से करते हैं क्योंकि लाइफ में अगर हम बात करें तो कोई काम बहुत नए नहीं, नहीं होते कि, कि किसी ने कुछ करना है किसी ने कुछ करना है बस काम करने का तरीका ही हमें क्या बनाता है अलग बनाता है हमें स्पेशल बनाता है ठीक है ना डियर बिल्कुल प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ इसी कोट के साथ सर एपीजे अब्दुल कलाम सर के कोट के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को देखते हैं 130 कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए रिलिवेंट हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन है, है एक एक क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसी तरह का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो उससे पहले बिल्कुल सक्सेस एक स्टेप बाई स्टेप आती है लर्निंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस देन सक्सेस ठीक है ना डियर बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है ट्रेनिंग होती है इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रैक्टिस होती है फिर इसके बाद सक्सेस मिलती है ठीक है डियर तो चलिए शुरू करते हैं बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो मंथली करंट अफेयर्स है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में फर्स्ट इज ऑन विच डेट इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हर साल महाराष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स करते जाएंगे है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते जाएंगे ऑन विच डेट इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर हर साल महाराष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में या फिर फोर्थ में तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं क्या आंसर होने वाला है तो भाई फर्स्ट इज अगर हम बात करें राइट आंसर इज फर्स्ट में आपका हो जाएगा राइट right आंसर है ना फर्स्ट में आपका राइट right हो जाएगा अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है बिल्कुल महाराष्ट्र डे से

कंट्री सिटीजन आर वोटिंग ऑन रिफॉर्म्स टू एनहेंस द प्रेसिडेंट्स पावर किस देश के नागरिक राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाने के लिए सुधारों पर मतदान कर रहे हैं कौन सी कंट्री है जहां पर ये इस तरह की चीजें चल रही हैं? नॉर्वे ओमान उज्बेकिस्तान या फिर केन्या? बिल्कुल फटाफट फड़ से आप लोग बताएंगे तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहां पर उज्बेकिस्तान हो जाएगा उज्बेकिस्तान है सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान वोटिंग ऑन रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथिंग द प्रेसिडेंट्स पावर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टूना डे टू नाइन ट्वेंटी थ्री ऑब्जर्व पहले हम बात कर ले टूना की अगर बात करें तो ये एक तरह का फिश की फिस्कीसी होती है फिश होती है है एक तरह की टूना डे ना बहुत अधिक यूज किया जाता है इसका बहुत अधिक पाई जाती है ठीक है वर्ड टूना डे ऑन इज वर्ड टूना डे टू नाइन ट्वेंटी थ्री ऑब्जर्व किस डे को तो सेलिब्रेट करते हैं सेकंड में थर्ड में फोर्थ में या फिर फिफ्थ में तो ये राइट आंसर आपका सेकंड में हो जाएगा है ना सेकंड में वर्ड टूना डे टू नाइंड ट्वेंटी थ्री इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी सेकंड में सेकंड में ठीक है इसी को लेकर इसके अवेयरनेस को लेकर इसके कंजर्वेशन को लेकर इसके मैनेजमेंट को लेकर यहां सेलिब्रेट करते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री विल ट्रेन 1000 थाउजेंड इंडियन इंजीनियर्स फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए कौन सा देश एक हजार भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा रशिया भूटान नेपाल या फिर जापान यहां पर अगर बात करें तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा तो राइट आंसर है जापान जैसा कि आप सभी को बताया जापान विल ट्रेन वन थाउजेंड इंडियन इंजीनियर्स फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्न ओवर लिमिट फॉर बिज़नेसेस टू बी सब्जेक्ट टू न्यू जीएसटी रेगुलेशन नए जीएसटी नियमों के अधीन होने वाले व्यवसायों के लिए टर्न ओवर की सीमा क्या है 50 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ या फिर 120 करोड़ तो बिल्कुल यहां पर डीयर बात हो रही है नए जीएसटी नियमों के अधीन होने वाले व्यवसायों के लिए टर्नओवर की सीमा क्या है 50 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ या फिर 120 करोड़ तो डियर अगर हम बात करें आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका 100 करोड़ हो जाएगा राइट आंसर आपका 100 करोड़ हो जाएगा एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है बिल्कुल तो फाइनल यहां से आप इसको देख सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस महीने में यूपीआई लेनदेन की मात्रा और मूल्य के लिहाज से गिरावट आई है इन विच मंथ डेड यूपीआई ट्रांजेक्शन डिक्लाइन इन वॉल्यूम एंड वॉल्यू टब मार्च जून फेब या फिर अप्रैल तो डियर राइट आंसर की बात करें तो अप्रैल यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा है ना पूरा डिटेलिंग में यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस हमने इस तरह का पॉइंट हमने बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स में फैक्ट बिल्कुल डिस्कस किए थे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही है डिक्लाइन हुआ है वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू इन अप्रप्रिल्वेंटी थ्री की बात हो रही है पीकिंग इन द प्रीवियस मंथ्स जेक्शन वॉल्यूम्स देखिए मे की बात कर रहे हैं तो अप्रैल के ही तो बात करेंगे अप्रैल की ही बात तो मई में करेंगे जब अप्रैल क्या हो चुका होगा कंप्लीट हो चुका होगा बिल्कुल तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम सेवन मंथ ऑन मंथ इन अप्रेल्टी थ्री सेवन नाइन सिक्स टू नाइन करोड़ अगेंस्ट एट सिक्स करोड़ इन मार्च नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूपीआई मंथली प्रोडक्ट्स स्टेटिक्स को यहां पर लेकर आया जाता है तो अप्रैल यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज अच बैंक प्लांस टू रोल आउट एंड ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू कवर फिफ्टी थाउजेंड मोर विजेस कौन सा बैंक है पचास हजार और गांवों को कवर करने के लिए ई वितरण नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है तो कौन सा बैंक है आरबीआई ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा है एच डी एफ सी है या फिर पीएमबी है तो डियर अगर हम बात करें राइट right आंसर की तो यहां पर राइट right आंसर आपका निकल के जाएगा एसडीएफसी बैंक एसडीएफसी यहां पर राइट right हो जाएगा ठीक है एच डी एफ सी बैंक प्लांस टू रोल आउट एंड ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू कवर फिफ्टी थाउजेंड मोर विलेजेस

चाइना टेंशन को लेकर फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं दौरा किया था, कहां का यूएस का किया था आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पर ऐड किया गया है आयुष्मान भारत दिवस की बात हो रही है तो डियर हम बात करें तो राइट इज थर्टी अप्रैल यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है तीस अप्रैल को नेक्स्ट इज च स्टेट गवर्नमेंट हैज पब्लिस्ड अ ग्लोजरी टू ऑफ तमिल वर्ड्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित तमिल शब्दों की शब्दावली प्रकाशित की है तमिल शब्दों की शब्दावली प्रकाशित की है वेस्ट बंगाल ने तमिलनाडु ने कर्नाटका या फिर राजस्थान ने तो बिल्कुल राइट आंसर है बिल्कुल आप गेस भी कर सकते हैं तमिल वर्ड्स की जब बात हो रही है तो आई होप तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि तमिलनाडु नहीं किया होगा तो बिल्कुल तमिलनाडु के द्वारा किया गया है एक्सप्लेनेशन में और फाइंड पैक्स आएड है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला किस शहर में शुरू हुआ जिसमें नब्बे भारतीय प्रतिभागी शामिल हुए इन विच सिटी डिट द इंटरनेशनल एंड टेक्सटाइल फेयर बिगे फीचरिंग नाइनटी इंडियन पार्टिसिपेंट्स लंडन न्यूयॉर्क अबुधाबी या फिर दुबई तो ये हम बात करें आंसर की तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा दुबई दुबई आपका राइट हो जाएगा द इंटरनेशनल अपेरल एंड टेक्सटाइल फेयर फीचरिंग 90 इंडियन पार्टिसिपेंट्स किड ऑफ इन दुबई नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स फ्यूचर्स ऑफ जॉब रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बाय वॉट ईयर विल अ क्वार्टर ऑफ जॉब चेंज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट दो हजार तेईस के अनुसार किस साल तक एक चौथाई नौकरियां बदल जाएगी टू नाइन ट्वेंटी फोर टू नाइन ट्वेंटी फाइव टू नाइन ट्वेंटी सिक्स या फिर टू नाइजेंड ट्वेंटी सेवन तो डियर यहां पर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका ट्वेंटी सेवन जाएगा है ना राइट हो जाएगा आपका फाइनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है बिल्कुल नेक्स्ट इज इन स्टेट डिड द इंडियन गवर्नमेंट बैन एप्स सिटिंग देर यूज बाय टेरर ग्रुप किस राज्य ने भारत सरकार ने आतंकवादी समूहों द्वारा उनके उपयोग का हवाला देते हुए चौदह ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है तमिलनाडु वेस्ट बंगाल जम्मू एंड कश्मीर या फिर महाराष्ट्र तो अगर बात करें करेंडियल तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आया जम्मू एंड कश्मीर है ना जम्मू एंड कश्मीर द इंडियन गवर्नमेंट बैंड 14 एप्स इन जम्मू एंड कश्मीर सिटिंग बाय टेरर ग्रुप्स नेक्स्ट इज इन अप्रैल इंडिया जीएसटी रेवेन्यू हिट अ रिकॉर्ड हाई एट हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज अप्रैल में भारत का सकल जीएसटी राजस्व कितने लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल मंथ की बात हो रही है और यहां पर कितना जीएसटी कलेक्शन रहा है जीएसटी रेवेन्यू की बात हुई हो रही है एवरी मंथ डयर ये आपका रिपोर्ट आती है और फाइनली यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है तो राइट यहां पर क्या हो जाएगा वन लाख करोड़ 1.87 लाख करोड़ जो अमाउंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन सकता है लॉटरी सिस्टम लॉटरी सिस्टम में धोखाधड़ी के बाद कौन सा देश एच वन बी वीजा पंजीकरण प्रक्रिया को अपडेट करने की योजना बना रहा है तो यहां पर यूएस यूनाइटेड किंगडम यूएई या फिर यूक्रेन कौन सा आपका हो रहा है जो यहां पर यह योजना बना रहा है अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका यूएस हो जाएगा यूएसए ठीक है ना द यूनाइटेड स्टेट इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज द एच वन बी वीजा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलोइंग फ्रॉड इन द लॉटरी सिस्टम नेक्स्ट इज विच आई आई टी डेवलप अ मशीन लर्निंग टूल टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस आईआईटी ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है आईआईटी मुंबई आईआईटी मद्रास आई दिल्ली या फिर आई कानपुर तो अगर बात करें तो आई मद्रास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आई मद्रास नेक्स्ट इज बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है आफ्टर बिहार विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द बैकवर्ड क्लास सर्वे उड़ीसा गुजरात असम केरला तो बात करें राइट right आंसर की तो यहां पर राइट right आंसर आपका जाएगा उड़ीसा उड़ीसा आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट इज इन विच मंथ डिड द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई राइज फ्रॉम फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर टू फिफ्टी सेवन पॉइंट टू किस महीने में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर से बढ़कर फिफ्टी सेवन पॉइंट टू हो गया तो डियर फेब मार्च अप्रैल या फिर जून तो डियर राइट आंसर यहां पर मार्च हो जाएगा मार्च में बात हो रही है ये आपका क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है नेक्स्ट इज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ऑन विच डेट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड थर्ड में सेकेंड में फर्स्ट में या फिर फोर्थ में तो ये बात करें बिल्कुल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की तो ये थर्ड में कौन सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज सेलिब्रेटेड ऑन थर्ड में रोइ ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट इज टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टू नैंड ट्वेंटी थ्री विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दो हजार तेईस में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है फ्रांस केनिया इस नॉर्वे या फिर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका नॉर्वे हो जाएगा नॉर्वे ने टॉप किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंकड देखिए इंडिया रैंक कौन सा वन सिक्सटी वन एंड वॉज द टॉप्ड बाय नॉर्वे नॉर्वे ने टॉप किया है इंडिया की रैंक कितनी रही है वन सिक्सटी फर्स्ट 161st आपकी रैंक रही है नेक्स्ट इज फास्टैग प्रणाली के माध्यम से अब तक दैनिक टोल संग्रहण की उच्च रा, उच्चतम राशि कितनी थी 193 192 191 या फिर 190 अगर बात करें तो राइट आंसर आपका 193 हो जाएगा नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने भारतीय मूल के अजय बंगा को अगले अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक पुष्टि है किस बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने भारतीय मूल के अजय बंगा को अगले अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से पुष्टि की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका वर्ल्ड बैंक निकलकर आएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इज़ दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अरेबियन ट्रैवल मार्केट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ विच एडिशन ऑफ द अरेबियन ट्रैवल मार्केट बिगन एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्वेंटी थर्टीथ फोर्टी या फिर फिफ्टी तो हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका थर्टीथ हो जाएगा अगर हम बात करें तो थर्टीथ एडिशन था अरेबियन ट्रैवल मार्केट बिगन एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे और जितने भी क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मे मंथ के है ना अगर पूरे मे मंथ को हम देखें तो फाइनली डेली uh, का डेली टेन क्वेश्चन तो डेली सेशन में ही हम लोग डिस्कस करते हैं अप्रोस थ्री या थ्री के आसपास बनेंगे जाके है ना थ्री बनेंगे अप्रॉक्स है ना 310 बनेंगे अगर थर्टी फर्स्ट डे रहे है ना और 10 के हिसाब से तो थर्टी तीन क्वेश्चन बनेंगे लेकिन उन 310 में से ये सिलेक्टेड 130 थर्टी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम का पार्ट बिल्कुल बनेंगे ठीक है ना डियर बिल्कुल चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाय विच ईयर विल द कॉस्ट ऑफ एडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज रीच एटी फाइव करोड़ इन इंडिया भाई किस वर्ष तक भारत में जलवायु परिवर्तन को अपनाने की लागत पचास एट्टी फाइव पॉइंट सिक्स लैख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी ईयर बात की गए ट्वेंटी नाइन ट्राइन थर्टी ट्राइन थर्टी वन या फिर ट्राइन थर्टी टू राइट आंसर की बात करें ट्राइन थर्टी आपका राइट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें यहां पर दी गई हैं फाइनली आप यहां से एक्सप्लेनेशन से एड करके फाइनली चीजों को देख सकते हैं डीपीआर की बात हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ठीक है ना नडियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्मी के खतरे को मापने के लिए कौन सा देश अगले साल अपना ताप सूचकांक लॉन्च करने जा रहा है यानी यहां पर लॉन्चिंग हो रही है इंडेक्स की और यह हीट इंडेक्स लॉन्च किया जा रहा है किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है ठीक है इंडिया ब्राजील ग्रीस या फिर आयरलैंड तो डियर आइसलैंड अगर हम बात करें तो यह इंडिया लॉन्च करने वाला है बिल्कुल है ना इंडिया इज गोइंग टू तो लॉन्च द हीट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर द क्वांटिफाई हीट हेजर्स भारत विदेश के विदेश कार्यालय परामर्श के बारहवें दौर का आयोजन किस देश के साथ किया गया है बेल आ, कुवैत या फिर इजिप्ट अगर हम बात करें राइट आंसर तो इजिप्ट आपका राइट हो जाएगा डियर यहां पर है ना जो भी एक्सप्लेनेशन में पार्ट दिए है फाइनली आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पचास दिन की जो है उल्टी गिनती के रूप में शुरू हो चुका है योग महोत्सव किस शहर में शुरू होगा हु, 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 हुआ है जम्मू देहरादून पुणे या फिर जयपुर अगर हम बात करें तो राइट आंसर बिल्कुल जयपुर होगा फाइनली द योगा महोत्सव टू मार्क द 50 डे काउंटडाउन 50 डे काउंटडाउन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बिगन इन जयपुर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको थर्ड ऑफ में चला जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट इज किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा के लिए एक वेबसाइट और उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो खाद्य सुरक्षा के, के लिए एक वेबसाइट और उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तमिलनाडु जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश तो अगर हम बात करें राइट आंसर तो पर तमिलनाडु आपका हो जाएगा है ना तमिलनाडु ने लॉन्च की एक वेबसाइट और फूड सेफ्टी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फॉर कंज्यूमर्स नेक्स्ट इज विच कंट्री टू दिक्सटी फर्स्ट रैंक आउट ऑफ वन एटी नेशन इन ट्वेंटी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया दो हजार तेईस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक के बारे में भी एक सौ इकसठवें स्थान पर आ गया है तो अभी हमने बात की इंडिया की बात हो रही है और इंडिया यहां पर किस पे बिल्कुल वन सिक्स वन प्लेस पर आ गया था और टॉप पे कौन था नॉर्वे है ना चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है वेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में या फिर फोर्थ में अगर हम बात करें आंसर की तो यहां पर आंसर राइट आ जाएगा आपका सेकंड ऑफ में वर्डमा इज ऑब्जर्व ऑन सेकेंड में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आई आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड ने किस स्थापना दिवस पर अपनी डायमंड जुबली क्या मनाई है सॉरी ऑन विच फाउंडेशन डे डिट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड भाई फाउंडेशन डे कौन सा था द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड सेलिब्रेशन इज इट्स डायमंड जुबली प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दो हजार तेईस में कौन सा देश सीर्स पर रहा है तो बिल्कुल नॉर्वे रहा है बिल्कुल है अभी हमने की बात की थी तो वहां पर डिस्कस किया था क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच कंट्री डेड मिराज अहमद खान एंड सेखो विन इन द ऑनगोइंग आईएसएसएफ वर्ल्ड कप आईएसएसएफ विश्व कप में मिराज अहमद खान और Ghanimats सेखो ने किस देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है इंडिया पाकिस्तान यूए या फिर सऊदी अरेबिया अगर बात करें राइट आंसर की तो आपका यहां पर इंडिया राइट हो जाएगा प्रथम आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में शुरू हुआ इन विच कंट्री डिड द एन एशियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज बिगन स्विट्जरलैंड इटली सिंगापुर या फिर नीदरलैंड तो राइट right आंसर आपका सिंगापुर जाएगा यहां पर सिंगापुर आपका राइट होगा आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज है सिंगापुर में हो रही है द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इनगर एशियन इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज एम ट्वेंटी थ्री वॉज हेल्ड इन चेंगाई नेवल बेस चेंगई नेवल बेस है जो कि सिंगापुर में है यह भी फैक्ट आपके लिए ऐड रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे सेकंड ऑफ क्या हुई हुई थी हेल थी हेल्ड है ना शुरू हुआ था मतलब नेक्स्ट इज डिंग किस देश के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं विच कंट्री डेड डिंग लरेन बिकम द फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन रशिया चाइना भूटान या फिर नेपाल बात करें तो यहां पर राइट right आंसर आपका जाएगा चाइना चाइना राइट हो जाएगा डिंग लड़ेन अगर बात करें बिकम द फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं कहां से फ्रॉम चाइना नेक्स्ट इज किस देश ने कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया यूएसए ऑस्ट्रिया या फिर रशिया अगर बात करें तो आ, राइट इज आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कारगिल पर एक परियोजना के सरकारी अनुदान की घोषणा की है तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया अनाउंस द गवर्नमेंट ग्रांट फॉर अ प्रोजेक्ट इन कारगिल नेक्स्ट इज किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई जो भारत की 80 परसेंट मांग को पूरा कर सकता है राजस्थान केरला असम या फिर उड़ीसा लिथियम की बात हो रही है डियर बिल्कुल न्यूज में रहा था और फाइनल राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा है ना लिथियम डिपॉजिट वॉर डिस्कवर एट रेवांट हिल है ना रेवांट हिल इन आ, देंगाना नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ड्यूरिंग द जी टू सर्वे ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के स्थिति को बनाते हैं ऑन विच डेट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इलेवंथ में टेंथ में नाइन्थ में या फिर ट्वेल्थ में राइट आंसर की बात करें तो एलेवंथ में आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन एलेवेंथ में और ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड रिसर्चर्स नेक्स्ट इज भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई बहुत सही क्वेश्चन है बिल्कुल है ना इन विच स्टेट विल इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश बिल्कुल जी हां इंडिया फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट इज सेट टू स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश एज द यमुना अथॉरिटी हैज रिपोर्टेडली अप्रूव्ड बाय द रिवाइज्ड डीपीआर एंड बिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट तो यहां पर राइट right आंसर आपका पॉट टैक्सी के लिए इंडिया फर्स्ट पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट जो हो जाएगा यूपी से हो जाएगा नेक्स्ट इज़ रेवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट विल कनेक्ट सेवन सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट लोकेटेड नियर विथ सिटी वही नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के शहरों के पास स्थित सात महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा <coughs> बताइए चंडीगढ़ गुवाहाटी कोच्ची या फिर विशाखापटनम सात स्थलों को जोड़ने की बात हो रही है राइट right आंसर आपका गुवाहाटी जाएगा डियर है ना गुवाहाटी हो जाएगा एक एमओयू साइन अप हुआ है साइन रिसेंटली फॉर द क्रिएशन ऑफ अ रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट नेक्स्ट इज मोनपा हैंडमेड पेपर है ना मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट एंड यूटी मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश से उत्पन्न हुई है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गुजरात या फिर उत्तराखंड तो अगर हम बात करें यहां पर डियर तो राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश जाएगा मोनपा हस्तनिर्मित कागज जो बनाने की कला है यह कला किस राज्य से बिलोंग करती है तो फाइनली अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट इज किस भारतीय शहर को एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष तीन डेटा सेंटर बाजारों में रखा गया है सिटी सिटी इज प्लेस एमंग दॉप थ्री डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पेसिफिक रीजन मुंबई चेन्नई न्यू डेली या फिर बेंगलुरु तो राइट right आंसर की अगर बात करें तो मुंबई right आपका हो जाएगा is, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं न्यूज में था वजह से यह फैक्ट यहां पर बना है यह पॉइंट यहां पर बनाया है विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलीगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल फोर्टी फाइव है 123, 245 या फिर 301. तो, अगर बात करें तो आर्टिकल कौन सा जाएगा तो आर्टिकल वन टू थ्री है ना आर्टिकल वन टू थ्री अध्यादेश जारी करने का राइट देता है अध्यादेश तब जारी होता है जब कोई रूल संसद के दोनों सदनों में पास ना हुआ हो और फाइनली उसे कुछ दिन के लिए टेम्परेरी रूप से अप्लाई करना हो इट इज कॉल्डिनेस बिल है ना वन ट्वेंटी अनुच्छेद नेक्स्ट इज उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून को किस शहर तक जोड़ती है या किस शहर तक जाती है गुवाहाटी न्यू दिल्ली वाराणसी कोलकाता तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देहरादून टू न्यू दिल्ली बिल्कुल न्यू दिल्ली आपका राइट हो जाएगा न्यू दिल्ली को जोड़ती है उत्तराखंड की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो सेट टू बी फ्लैग ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया आई विल ट्रेवल फ्रॉम देहरादून टू न्यू डेली नेक्स्ट इज विश्व का सबसे बड़ा वायुयान वाहक गेराल्ड आरफोर्ड किस देश से संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा गेराल्ड आरफोर्ड द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री यूएसए रशिया फ्रांस या जर्मनी तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहां पर राइट right आंसर आपका यूएस आएगा इट इज द फर्स्ट आंसर इट इज द राइट आंसर यूएसए आपका राइट हो जाएगा यूएसएस इज गेराल्ड आरफोर्ड इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है इन द वर्ल्ड इट रिसेंटली मेड इट्स फर्स्ट फॉरन कॉल नेक्स्ट इज आ रहा है कॉल यहां पर बात हो रही है कार्लोस अल्क्राज की कार्लोस हु हुएसड नोवाक जोकोविच एट द नंबर वन स्पॉट इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री नंबर वन स्थान पर नोवाक जोकोविच की जगह लेने वाले कार्लोस अल्क्राज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं स्पेन सर्बिया रशिया या फिर फ्रांस तो बिल्कुल अगर हम बात करें नोवाक जोकोविच तो डियर आप सभी जानते हैं कार्लोस अल्क्राज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं ये पूछा जा रहा है यहां पर कोई भी प्लेयर अगर न्यूज में रहा होता है कोई अगर उसने टूर्नामेंट वगैरह विन किया होता है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई डिफीट किसको किया है वो भी इंपॉर्टेंट होता है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो राइट आंसर यहां पर स्पेन आ रहा है बिल्कुल आ, अगर हम कार्लोस अलग्राज की बात करें तो स्पेन से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच आप सभी जानते हैं भाई स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं बिल्कुल है ना नोवाक जोकोविच नेक्स्ट इज uh, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है खबरों में नजर आने वाली टीना टर्नर किस पेशे से जुड़ी हैं टीना टर्नर विच वॉज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन ऑथर सिंगर पॉलिटिशियन या फिर स्पोर्ट्स पर्सन अगर बात करें तो टीना टर्नर बिल्कुल सिंगर है, है ना और टीना टर्नर आप फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन रिसेंटली पास रिसेंटली हाल ही में भी इनका निधन हुआ है इस वजह से ये न्यूज में है बिल्कुल इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रॉक एंड रोल आर्टिस्ट थी ये टीना टर्नर नेक्स्ट इज उन्नत जलवायु और पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान और सेवाओं के कार्यान्वयन योजना को आ, कितने योजना कितने वर्षों के लिए है कितने वर्षों के लिए इंप्लीमेंटेशन प्लान है फाइव टेन ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव तो बात करें तो टेन है ना राइट आंसर आपका टेन हो जाएगा टेन ईयर प्लान है ये ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स होम ग्रो स्पेस रॉकेट नूरी किस देश ने हाल ही में अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली नूरी रॉकेट की बात हो रही है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है रशिया साउथ कोरिया इसराइल या फिर यू तो राइट आंसर यहां पर जाएगा साउथ कोरिया साउथ कोरिया इज राइट आंसर है ना साउथ कोरिया की बात हो रही है साउथ कोरिया रिसेंटली लॉन्च द होम ग्रोन स्पेस रॉकेट है नूरी इट सक्सेसफुली डिलीवर्ड अ कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट नेक्स्ट इज विच कंट्रीज गवर्नमेंट इट सेट टू लॉन्च अ फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस स्कीम फॉर ट्रस्टेड ट्रेवलर्स किस देश की सरकार भरोसेमंद यात्रियों के लिए तेजी से आवरजन निगासी योजना शुरू करने के लिए तैयार है ईरान इंडिया इसराइल और इटली और इसी के साथ डियर आपने बिल्कुल देखा हमने फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अब हम नेक्स्ट फिफ्टी की तरफ बिल्कुल इंटर कर चुके हैं तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे है ना फिफ्टी क्वेश्चन आए होप आप लोगों ने क्या किए होंगे इंजॉय किए होंगे लास्ट एज नूरी रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था फिफ्टी है फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया फाइनल फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और हम चलेंगे है ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई होप आप सेशन को इंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे वो मंथ का रिविजन को कर पाए और मे मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर पाए पाएर कर पाए और आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आपके लाइनअप हैं उनको देने जाएं और ये क्वेश्चंस आपको वहां पर मिले और आप इसका लाभ उठा पाए है ना बिल्कुल तो चलिए बताइए फटाफट से किस देश की सरकार भरोसेमंद यात्रियों के लिए तेजी से आवर्धन निकासी की योजना शुरू करने के लिए तैयार है तो राइट आंसर की बात करें तो यहां पर इंडिया राइट हो जाएगा आपका है ना इंडिया इज राइट नाउ नेक्स्ट इज किस देश ने धार्मिक संता पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की और भारत से लगातार धार्मिक हिंसा की निंदा करने का आह्वान किया है फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जर्मनी या फिर कनाडा तो बात करें राइट आंसर की तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट <coughs> इज वित्त वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन गया है नीदरलैंड नाइजीरिया म्यामा या फिर वियतनाम विच कंट्री बिकम द इंडिया नीदरलैंड हो जाएगा है एक्सप्लेनेशन uh, में आप बहुत सारे हैं फाइनली है finally, इनको आप देख सकते हैं इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन एफ वाई टू थ्री आफ्टर द यूएस एंड यूएई के बाद में तो so, नीदरलैंड आपका हो जाएगा नेक्स्ट इज राज्य के सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है केरला कर्नाटका हरियाणा या फिर तमिलनाडु तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर है आपका केरला तो केरला आपका राइट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है फर्स्ट स्टेट इज द कंट्री टू हैव अ ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम इन ऑल पुलिस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश को लंबी क्रूज मिसाइलें दी हैं रशिया यूक्रेन यूएस या फिर जर्मनी गैस भी कर सकते हैं बिल्कुल यूक्रेन है ना यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश को लंबी क्रूज मिसाइलें दी हैं तो यूक्रेन को दी हैं बिल्कुल चलिए नेक्स्ट इज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह दो के समापन समारोह की शोभा बढ़ाई जयपुर है कानपुर है या फिर चेन्नई या फिर दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी की बात हो रही है और इन्होंने ग्रेसा वेलिडिक्टी सेरेमनी है नेशनल टेक्नोलॉजी वीक है तो ये आपका दिल्ली में हुआ है नेक्स्ट इज 2023 में डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता हु डायलन थॉमस प्राइज इन दोन ट्वेंटी थ्री अगर हम बात करें तो ये जीता है एरनजे ने। एक्सप्लेनेशंस में दिए राइटर है एरनजे एफेकंडिया यूनिवर्सिटीज डायलन थॉमस प्राइज फॉर कैलिडोस पिक रिफ्लेक्शन ऑफ पीर लाइफ एंड लव इन नाइजीरिया भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर वियतनाम बांग्लादेश श्रीलंका बात करें तो राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा फिफ्टी स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम हमने शुरू किया है बांग्लादेश के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ऑन विस डेट इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड ट्वेंटी फर्स्ट में ट्वेंटी थर्ड में ट्वेंटी फोर्थ में या ट्वेंटी फिफ्थ में हम बात करें ट्वेंटी फोर्थ में आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल कॉमनवेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं है ना और कॉमनवेल्थ डे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे होते हैं किस कंपनी ने हाल ही में भारत में खुदरा निवेशकों के लिए एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है अमेजोन पे फोन पे पेटीएम पे, मनी या फिर मोबीक्विक किस कंपनी ने भारत में खुदरा निवेशकों के लिए तो राइट आंसर यहां पर जाएगा पेटीएम मनी नेक्स्ट इज हा भारत ने हाल ही में शुरू की गई 75 फाइव अपॉइंटी फाइव पहल में 25 क्या दर्शाता है 25 मिलियन पीपल इयर्स ऑफ 25 25 या ऑफ द पॉपुलेशन या शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सपेंडिचर्स अगर हम बात करें 25 फाइव ईयर दिखाता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की बात हो रही है और इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे 75 फाइव uh, सेवेंटी फाइव स्लैस ट्वेंटी फाइव इनिशियटिव है विदू स्क्रीन 75 मिलियन पीपल फॉर हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज बाय दर टू नाइन नेक्स्ट इज वोल्ट टाइफून को किस देश द्वारा राज्य प्रयोजित माना जाता है इंडिया जापान चाइना या फिर यूएस अगर बात करें तो चाइना यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा की बात करें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है के गोविंदराज के गोविंदराज एस बाला सुब्रमण्यन नेहा उत्कल या फिर रवि किशोर तो राइट आंसर है केव गोविंदराज नेक्स्ट इज कौन सा आंकड़ा सही ढंग से भारत के रक्षा उत्पादन के वर्तमान मूल्य को इंगित करता है फिफ्ट लैख करोड़ फाइव लैख करोड़ वन लाख करोड़ टेन लैख करोड़ या फिर हंड्रेड लैख करोड़ इंडिकेट द करेंट वैल्यू ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया राइट आंसर की बात करें तो वन लैख करोड़ आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज विच वन वन इज द फाइनल एंड ओवरऑल सिक्स सबमरीन ऑफ द कलवरी क्लास सबमरीन कलवरी कलवरी श्रेणी के पंडुब्बी को की अंतिम और समग्र छठी पंडुब्बी कौन सी है है ना कांडेरी करंज वेला या फिर वक्सीर तो राइट आंसर की बात करें तो वक्सीर आपकी राइट हो जाएगी है ना नेक्स्ट इज किस भारतीय हवाई अड्डे को हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम श्रेणी के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस हवाई अड्डे को हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा है ना तो सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया तिरची या फिर मुंबई तो डियर बात करें तो तिरची का है आपका द तिरिचुरापल्ली द तिरिचुरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट तिरची एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ आई टी इंडियन लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड मिला है अंडर द फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास मेरिट कैटेगरी बाय द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल नेक्स्ट इज किस भारतीय पार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ओके okay. डियर यहां पर अगर हम बात करें बिल्कुल तो देखिए यहां पे बाय डिफॉल्ट केवल लैंग्वेज आपका हिंदी में जो है वो यहां पर बाय डिफॉल्ट आ गया है है ना

तो डियर बात करें राइट आंसर की तो बिल्कुल तमिलनाडु आपका राइट हो जाएगा तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ऑफिशियली इनग्रेट किया वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है को देखने को देखने मिलेगा मीटर इन इन लेंथ एंड बिट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द गुड गवर्नेंस रेगुलेशन सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया भाई सुशासन नियमन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है है ना स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर एसएससी किसी भी आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं सुशासन so, नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है महाराष्ट्र गुजरात मणिपुर या फिर त्रिपुरा so, right महाराष्ट्र जाएगा आपका महाराष्ट्र आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एक नाथ सिंधे के द्वारा अप्रूव किया गया है सुशासन so, नियमन गुड गवर्नेंस नेक्स्ट इज बिल्कुल यहां ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है डीयर यहां पर अमाउंट की बात कर रहे हैं देखना है हमें क्या पूछा जा रहा है द बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड इंटरनेशनल आर्म्स नेटवर्क की बात हो रही है ये शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट आई है भारत ने म्यामा में सैन्य जुंटा के कितने करोड़ रुपए के हथियारों और दोहरे उपयोग की वस्तुकला और कच्चे माल की आपूर्ति की है है ना तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट होगा जुंटा यहां पर बात हो रही है जुंटा सैन्य जुंटा को कितने करोड़ रुपए के हथियारों और दोहरे उपयोग के लिए वस्तुओं और कच्चे माल की आपूर्ति की गई है ठीक है द बिलियन डॉलर डेथ ट्रेंड इंटरनेशनल आर्म्स नेटवर्क की बात हो रही है तो डियर बिल्कुल अमाउंट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मैंशन हुए हो फोर टू टू करोड़ थ्री जीरो जीरो थ्री हंड्रेड करोड़ फोर हंड्रेड करोड़ या फाइव थर्टी टू करोड़ तो राइट आंसर यहां पर फोर टू टू करोड़ चला जाएगा चार सौ बाईस करोड़ का अमाउंट यहां पर इंपॉर्टेंट है रिसेंट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन हैज हैजेल द इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड बाय कंपनीज है ना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल देख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट इज भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑन विस डे इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व इन इंडिया नाइनटीन में ट्वेंटी में ट्वेंटी में या फिर ट्वेंटी सेकेंड तो अगर बात करें ट्वेंटी फर्स्ट में को हम आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं इंडिया ऑब्जर्व नेशनल एंटी टेरिज्म डे ऑन ट्वेंटी फर्स्ट में एवरी ईयर टू कॉमेमरेट द डेथ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नेक्स्ट इज जैविक विविधता 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जिकल डायवर्सिटी थ्री ऑब्जर्व नाइनटीन में ट्वेंटी में ट्वेंटी सेकेंड में तो ये right answer यहाँ पर निकल के जाएगा ट्वेंटी सेकेंड ऑफ में नेक्स्ट इज विश्व कछुआ दिवस दो हजार तेईस की तारीख को मनाया जा रहा है बिल्कुल ट्वेंटी थर्ड में ट्वेंटी सेकंड में ट्वेंटी फर्स्ट में या फिर ट्वेंटी में तो ये अगर हम बात करें यहां पर राइट right आंसर की ट्वेंटी थर्ड में आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है बिल्कुल बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हैं यहां पर फिर से हमको मिल गया है ना वीकली करंट अफेयर एंड देखा था न्यूज में भी डिस्कस हुआ था हु हैज बीन इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर तो भैया कैक कौन है जीसी मुर्मू साहब तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा जीसी मुर्मू है ना नेक्स्ट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन के बहरा लेखा परीक्षक के रूप में किसे ने चुना गया है सचिन तेंदुलकर रोहित शर्मा अजिंक्य रहाणे या फिर युवराज सिंह अगर तो बात करें राइट आंसर तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर साहब आएंगे है ना शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट एंड लेड बाय द एक नाथ अपॉइंटेड क्रिकेटर लीजेंड सचिन तेंदुलकर एज अ माष्ट्राज स्माइल एम्बेसडर अंडर द स्टेट स्वच्छ मुख्य अभियान है ना क्लीन माउथ कैंपेन क्लीन माउथ कैंपेन टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट ओरल हेल्थ एंड हाइजीन अक्रॉस द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूज भी इंपॉर्टेंट थी बिल्कुल तभी ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस आईआईटी में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है पहले खनन स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन किया आई बॉम्बे आई कानपुर आई दिल्ली या फिर आई रुड़की तो बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर कर देंगे हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ तो आई बॉम्बे आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज कौन सा शहर कावेरी 2.0 पॉइंट वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है मुंबई चेन्नई बेंगलुरु या फिर हैदराबाद तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर डीयर आपका जाएगा बेंगलुरु नेक्स्ट इज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है इज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड विश्व पाचन दिवस स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है अगर हम बात करें ट्वेंटी सेवेंथ में ट्वेंटी एट में ट्वेंटी नाइन्थ में या फिर थर्टी तो डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें ट्वेंटी नाइन्थ में आपका यहां पर क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा ट्वेंटी नाइन्थ में वर्ल्ड डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन में चलिए नेक्स्ट इज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है डीआरडीओ आई मद्रास रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर आईआईम अहमदाबाद तो अगर हम बात करें राइट आंसर यहां पर जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नेक्स्ट इज कोलरेडो नदी किस देश से होकर बहती है यूएस फ्रांस क्यूबा हो गया ऑस्ट्रेलिया तोड़ियर बिल्कुल आ, न्यूज में था कहीं कही ना कहीं तो फाइनली ये फाइनलीफाइक इंपॉर्टेंट हो गया है, तो यूएस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया श्रीलंका या फिर सूडान तो राइट आंसर है यहां पर साउथ कोरिया वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा इस तरह का कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा हाल ही में सब सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है कहां किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है सीओ एस एल एम वेयर वॉज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट रिसेंटली इनोग्रेटेड पटना देहरादून शिमला या फिर धर्मशाला बात करें तो राइट आंसर आपका देहरादून हो जाएगा नेक्स्ट इज महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा केरला झारखंड उड़ीसा तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा यूनियन मिनिस्टर स्मृति द वुमेन लेबरर्स कन्वेंशन इन केरला नेक्स्ट इज किस निजी इक्विटी फर्म ने पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय जेमोलॉजिकल संस्थान का अधिग्रहण किया है ब्लैक स्टोन कार्ले ग्रुप अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट या फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स तो डियर हम बात करें राइट आंसर की तो ब्लैक स्टोन आपका राइट हो जाएगा किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है नेपाल जापान भूटान कनाडा बिल्कुल न्यूज के हमारे मई मई के सारे पार्ट्स है बिल्कुल आप आसानी से इनको देख सकते हैं तो ये राइट आंसर यहां पर नेपाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कूनो नेशनल पार्क जहां हाल ही में तीन चीतों को जंगल में छोड़ दिया गया किस भारतीय राज्य में है उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क तो बहुत ही न्यूज में था बिल्कुल लास्ट ईयर भी न्यूज में रहा था है ना बिल्कुल मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा किस देश में सेमी कंडक्टर दिग्गज माइक्रोन राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा के लिए अर्ता प्राप्त करने में विफल रहा है फ्रांस है चाइना है फिजी है मोलेशिया है अगर तो हम बात करें सेमी कंडक्टर माइक्रोन की रियल तो यहां पर राइट आंसर आपका चाइना जाएगा नेक्स्ट इज राज्य के स्वामित्व वाले उधारदाताओं में कौन सा बैंक दो हजार में जेम पोर्टल से सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक या फिर यस बैंक ठीक है तो राइट आंसर यहां पर आपका जाएगा कैनरा बैंक जेम पोर्टल का बड़ा खरीदार बनकर कौन उभरा है कैनरा बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्तमान में कौन सा देश राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ रूढ़िवादी और संसदीय चुनाव जीत गए लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत से कम हो गए कौन सी कंट्री है आपकी हैती है ना माली वियतनाम या फिर ग्रीस तो हम बात करें राइट right आंसर की तो ग्रीस आपका राइट right हो जाएगा ग्रीस रूलिंग कंजर्वेशन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन बट फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट लैंडिंग टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस नेक्स्ट इज महात्मा गांधी छात्रवृत्ति किस देश में 300 विद्यार्थियों को प्रदान की गई सिंगापुर श्रीलंका बांग्लादेश या साइबेरिया इन विच कंट्री वॉज महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू 300 स्टूडेंट्स सिंगापुर श्रीलंका बांग्लादेश या फिर साइबेरिया महात्मा गांधी छात्रवती बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है डियर तो राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर यहां पर श्रीलंका है है ना श्रीलंका आपका राइट हो जाएगा Next is... महात्मा गांधी छात्रवती किस देश में 300 विद्यार्थियों को प्रदान की गई डियर अच्छा देखिए बाय डिफॉल्ट यहां पर भी डियर देखिए यहां पर जो ये हिंदी में है ये आपका बाय डिफॉल्ट लास्ट क्वेश्चन का ही आ गया है ठीक है तो क्वेश्चन हमारा ये है इन सिटी इन स्विट्ज़रलैंड इन सिटी इन स्विट्जरलैंड कौन सी ऐसी सिटी है स्विट्ज़रलैंड की सिटी है जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस किया है सेवेंटी सेवन सिक्स सेशन सेवेंटी क्या किया है एड्रेस किया है सेवेंटी सिक्स सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाया वीडियो मैसेज बासेल लुगानो स्विट्जरलैंड या फिर जिनेवा सेवेंटी सिक्स सेशन राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट right आंसर आपका जाएगा जिनेवा ठीक है एक्सप्लेनेशन पार्ट आ जाएंगे द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द सेवेंटी सिक्स सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनेवा स्विट्जरलैंड बाय वीडियो मैसेज नेक्स्ट इज अरिंगर अन्ना जुलॉजिकल पार्क वंडा लूर, किस शहर में हाल ही में दो नए स्लॉथ भालू मिले हैं चेन्नई अहमदाबाद जयपुर या फिर शिमला तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका चेन्नई क्लियर है चलिए नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है क्योटो ओसाका हीरो या फिर योको हामा। बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली पार्ट बनेगा एग्जाम का तो हीरो सीमा की अगर हम बात करें तो में भी लगाया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द बेस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन जापान नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा शुरू करने वाली रैयाना बर्नावी किस देश से संबंधित है यूएस इंडिया सऊदी अरेबिया या फिर इसराइल तो अगर हम बात करें राइट आंसर यहां पर सऊदी अरेबिया चला जाएगा आपका ठीक है एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे और फैक्ट्स Uh, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की स्थिति को मनाया जाता है बिल्कुल सेकेंड right में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इन रैन ट्वेंटी थ्री कौन सा देश दो में कारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जापान चाइना इंडिया यूएस राइट इज चाइना बिल्कुल जी हां चाइना आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जून में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी के लिए कौन सा शहर तैयार है सिटी इज रेडी टू होस्ट द स्क्वैश वर्ल्ड कप इन जून कोलकाता लखनऊ चेन्नई या फिर हैदराबाद तो so, राइट right इज चेन्नई चेन्नई आपका राइट right हो जाएगा द सिटी ऑफ चेन्नई विद एंटीसिपेशन एज द प्रिपेयर टू होस्ट द दाइली एंटिसिपेटेड ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड कप नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आईफा फार Ryan 23 में किस अभिनेता को उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया जाना है कमल हसन अनिल कपूर अमिताभ बच्चन या फिर धर्मेंद्र right आपका जाएगा कमल हसन विल बी फेसिलिटेट फिलिशिटेट विद द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा Indian cinema आई at ट्वेंटी थ्री ऑन ट्वेंटी सेवेंथ में इन अबुधाबी नेक्स्ट इज डेनियल मैदेदेव जिन्हें हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है किस देश से संबंधित हैं डेनियल मैदेदेव किस देश से संबंधित हैं ऑस्ट्रेलिया युगांडा रशिया या फिर चाइना तो डी हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या है रशिया डेनियल मैद्वेदेव किस से संबंधित है रशिया कंट्री से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट इज भारतीय नौसेना की पंडुबी आई एन एस सिंधु रत्न किस देश के एक प्रमुख उन्नयन से गुजरी और 97 दिनों तक चलने के बाद मुंबई पहुंची इजिप्ट रशिया नेपाल या फिर अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल चलिए तो देखते हैं चलते हैं राइट आंसर की तरफ राइट आंसर यहां पर रशिया जाएगा बिल्कुल आई एन एस सिंधुरत्न रशिया है ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो मार्टिन एमएस जिनका निधन हो गया किस पेशे से संबंधित है मार्टिन एमएस अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन डॉक्टर नोवेलिस्ट हिस्टोरियन या फिर राइटर तो डियर अगर हम बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर नोवलिस्ट नोवलिस्ट हैं आपके रिनाउंड ब्रिटिश नोवलिस्ट हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं ब्रिटिश नोवलिस्ट हैं मार्टिन एम एस पास जबे हुए हैं सेवेंटी थ्री एट इन फ्लोरिडा ड्यू टू ऑसोफेगियल कैंसर ठीक है ना डियर तो नॉवलेस्ट है बिल्कुल और इसी के साथ हमने हमने 100 क्वेश्चन के कैटेगरी नंबर पर हम पहुंच चुके हैं है ना 50 50 क्वेश्चंस के बिल्कुल 100 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए हम लोग 100 के पार चलते हैं है ना 30 क्वेश्चन कोस्ट और हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो रहे हैं पॉइंट्स आई होप आप सेशन को एन्जॉय कर रहे होंगे एन्जॉय कर रहे हैं तो फटाफट -फड़ से लाइक करते जाए है ना ये सिलेक्टेड क्वेश्चन कोस्ट, इनको कंपाइल करना है ना तो बिल्कुल इस को बिल्कुल लाइक करें और फाइनल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें नेक्स्ट इज कौन सा देश अपने जल क्षेत्र के प्रबंधन और अपने अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की नकल करने में राजस्थान की सहायता करने के लिए तैयार है नॉर्वे कुवैत म्यामा या फिर डेनमार्क ठीक है डियर वन सेकेंड इज तो कौन सा देश है भाई जो अपने जल क्षेत्र के प्रबंधन और अपने अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की नकल करने में राजस्थान की सहायता करने के लिए तैयार है नॉर्वे कुवैत या म्यामा या फिर डेनमार्क तो डियर अगर हम यहां पर बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा डेनमार्क ठीक है डेनमार्क इज राइट नाउ right नेक्स्ट इज हाल ही में हमार सुधार लाइक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है त्रिपुरा मेघालय कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल पहले भी हम लोगों ने देखा था ये वहीं की लोकल लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है इसकी वजह से इस तरह से हमें यहां पर दिख रहा है तो डियर राइट आंसर यहां पर चला जाएगा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र बघेल रिसेंटली लॉन्च द हमार सुघार लाइक अभियान एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द न्यूट्रिशन एंड केयर न्यूट्रिशन एंड केयर को बिलोंग कर रहा है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट इज कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर व्यापक स्वास्थ्य चेतावनी लेवल अनिवार्य करने वाला पहला देश बनने जा रहा है इसराइल आयरलैंड इंडिया या फिर जापान तो डियर अगर हम बात करें यहां पर तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका ठीक है कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर व्यापक स्वास्थ्य चेतावनी लेवल अनिवार्य करने वाला पहला देश बनने जा रहा है तो राइट आंसर है आपका आयरलैंड आयरलैंड वो कंट्री है नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन आप देखते चलेंगे बिल्कुल बीसीसीआई ने किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट प्रयोजक के रूप में शामिल किया है नाइक लेवीज सैमसंग या फिर एडीडॉक्स अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका एडिडॉस हो जाएगा है ना द बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की बात करें अनाउंस किया है मल्टी ईयर पार्टनरशिप विद एडिडॉस द रिनाउंड ग्लोबल स्पोर्ट्स बीयर ब्रांड एज द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम नेक्स्ट इज किस आई आई एम ने फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग को भारत के शीर्ष चार स्कूलों में स्थान दिया है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टाइम ग्लोबल रैंकिंग प्लेस एमंग द टॉप फोर स्कूल इन इंडिया आई आई एम कोजिकोड़ आई एम काशीपुर आई एम सिरमौर आई एम अमृतसर तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आए आई एम कोजिकोड जाएगा यहां पर नेक्स्ट इज असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किस शहर में पार्ट पार्टी श्रीडम है ना अगर हम बात करें पार्टी शंड फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी रहती हैं पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया है जोरहाट में डिब्रूगढ़ में ढुबरी में या फिर गुवाहाटी में तो डर आंसर की बात करें तो आंसर आपका राइट आ जाएगा गुवाहाटी यहां पर राइट हो जाएगा असम गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने रिलीज की है बुक टाइटल है पार्टीशन फ्रीडम एट द इवेंट इन गुवाहाटी इवेंट कहां हुआ था गुवाहाटी नेक्स्ट इज जन जैव विविधता रजिस्टर पीबीआर की बात हो रही है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच स्टेट भाई द नेशनल कैंपेन है अपडेटिंग ऑन वेरीफाइंग द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच स्टेट जन जैव विविधता रजिस्टर को अद्यतन और सत्यापित करने के लिए राष्ट्रीय अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश बिहार गोवा या फिर असम राइट right आंसर है यहां पर आपका गोवा जाएगा गोवा आपका राइट हो जाएगा द नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वॉज रिसेंटली लॉन्च इन गोवा इंडिया नेक्स्ट इज एंड टीसी रिसीव्ड एडवांस ऑर्डर वर्थ हाउ मेनी करोड़ रुपीज फ्रॉम वन लैख फॉर वन लैख बीएसएनएल फोर जी साइट टीसीएस और आई आई टी को एक लाख बीएसएनएल फोर जी साइटों के लिए कितने करोड़ रुपए के अग्रिम आदेश प्राप्त हुए हैं पंद्रह हजार तीन सौ करोड़ पंद्रह हजार पांच सौ करोड़ पंद्रह हजार सात सौ करोड़ या पंद्रह हजार आठ सौ करोड़ तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका पंद्रह हजार सात सौ करोड़ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड द अवॉर्डिंग द एडवांस परचेज ऑर्डर वन लेख बी एस एन एल फोर जी साइट टीसीएस एंड आई टी आई सिग्निफाइज सिग्निफिकेंट माइल स्टोन इन बी एन एल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड द प्रोविजन ऑफ एडवांस एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहां से आप जाकर पॉइंट देख सकते हैं क्योंकि ये इसी तरह से तैयार किया जाता है प्रिपेयर किया जाता है जिससे आप आसानी से उन पॉइंट्स को फैक्ट्स को देख सकें है ना चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व का नंबर एक स्थान प्राप्त किया है एंडरसन पेट्रस शिवपाल सिंह नीरज चोपड़ा जैकब वनलेस तो भाई बिल्कुल नीरज चोपड़ा के अलावा और कौन कर सकता है, है, है।, है नीरज चोपड़ा जी है ना? Is, ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है इसराइल ईरान इराक या फिर इंडोनेशिया विद विच कंट्री डिड आई आई टी एम टाइम टू एस्टेब्लिश अ वॉटर टेक्नोलॉजी सेंटर बात करें आंसर की तो आंसर आपका हो जाएगा भारत किस राज्य में जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टीरियल के साथ चौदह स्वास्थ्य ऊर्जा मंत्री स्तरीय और आठवीं मिशन इनोवेशन मीटिंग की मेजबानी करने को तैयार है मिजोरम गोवा पंजाब या फिर गुजरात तो हम बात करें यहां पर राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका जाएगा गोवा इंडिया विल होस्ट द फोर्टींथ क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल है ना फोर्टीन क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल सेम एंड एटीन मिशन इनोवेशन है एम आई एट और 14, short में आप ध्यान रख सकते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी अकॉर्डिंग टू द अपडेट रूल विच ऑर्गेनाइजेशन विल ओवर सीज द सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्राइम मिनिस्टर इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन फॉरन सर्विस एन ऑफिसर ऑफ बी एस एफ एन ऑफिसर ऑफ एनडीए बात करें इंडियन पुलिस सर्विस एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडर्स नेक्स्ट इज किस राज्य ने हाल ही में अपनी अराकू घाटी कॉफी और काली मिर्च के लिए जैविक प्रमाण प्रमाणीकरण प्राप्त किया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर अराकू वैली एंड कॉफी एंड ब्लैक पेपर तो ये राइट right आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट right इज <laughs> <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पशुधन के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए ई e गवर्नेंस के लिए किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्राप्त तो हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो डियर आप देख ही पा रहे हैं ऑप्शंस किस तरह से क्रिएट हैं जिससे आप एनिमल हस्बेंड्री एंड एन फिशरी चंडीगढ़ है उड़ीसा है उत्तर प्रदेश है तो या फिर हरियाणा या डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी हरियाणा है तो डियर राइट आंसर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एन फिशरी चंडीगढ़ एक्सप्लेनेशन में भी पॉइंट दिए हुए फाइनली आप यहां से देख सकते हैं नेक्स्ट इज नीति आयोग की वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक दो हजार में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है असम उड़ीसा उत्तराखंड या फिर केरला तो अगर हम बात करें यहां पर राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका केरला जाएगा ठीक है केरला जाएगा फाइनली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोला टीनिबू किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी इन्होंने न्यूजीलैंड नाइजीरिया अंगोला या फिर बहामास तो अगर बात करें बिल्कुल तो यहां पर राइट आंसर आपका नाइजीरिया हो जाएगा

पचास करोड़ रुपए से अधिक की ऋण चूक को दर को ऋण चूक को दूर करने के लिए नई डिजिटल रिपोर्टिंग एंड संचार प्रणाली के तहत कौन सी संस्था बैंकों के साथ संवाद करेगी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन या फिर पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो सीई आई वी नेक्स्ट इज ई इको रैप एस बी आई इको रैप की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एफ आई टू थ्री में भारत की जीडीपी की अपेक्षित विकास दर क्या है तो भाई जीडीपी कितना किया है? लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इको रैप की है ना इंडिया जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है बिल्कुल 7, या फिर की जो भी फोरकास्टिंग होती है हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाती है डियर बिल्कुल तो राइट आंसर यहां पर सेवन पॉइंट वन परसेंट आ जाएगा आपका नेक्स्ट इज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 2023 के किस महीने में चंद्रयान थ्री के प्रक्षेपण की घोषणा की है जुलाई अगस्त जून या फिर सितंबर तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो पर राइट आंसर आपका जुलाई जाएगा जुलाई में इन्होंने की है द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस सोमनाथन एस सोमानाथ एस सोमनाथ है चंद्रयान थ्री विल बी लॉन्च इन जुलाई टू चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट नेक्स इज एक एंड आईटी को एक लाख बीएसएनएल 4G साइटों के लिए कितने करोड़ रुपए के अग्रिम आदेश प्राप्त हुए हैं जैव विविधता करने के लिए राष्ट्रीय अभियान में, में शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश बिहार गोवा या फिर असम तो बात करें राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ट्वेंटी फिफ्थ में ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी सेवन या फिर ट्वेंटी एट में बिल्कुल तो ये राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर एट में हो जाएगा बिल्कुल अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ है ना नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे ट्वेंटी एट में नेक्स्ट इज इस सीजन में चीनी उत्पादन में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को वन जीरो सेवन पॉइंट टू नाइन लाख टन से पीछे छोड़ दिया है महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब या फिर हरियाणा चीनी उत्पादन में तो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र यहां पर राइट हो जाएगा है ना उत्तर प्रदेश सरपास महाराष्ट्र इन सुगर प्रोडक्शन दिस सीजन रीचिंग वन जीरो महात्मा गांधी छात्रपति किस देश में तीन सौ विद्यार्थियों को प्रदान की गई सिंगापुर श्रीलंका बांग्लादेश या फिर साबेरिया तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो बिल्कुल क्लियर आपका श्रीलंका राइट हो जाएगा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड आईसीसीएल इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड बैंक के ऑफ इंडिया इंडियन बैंक बैंक का बड़ा था या फिर कर्नाटक बैंक तो ये अगर हम बात करें राइट right आंसर की तो यहां पर राइट right आंसर आपका जाएगा इंडियन बैंक इंडियन बैंक आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट इज आईफा में किस अभिनेता का उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया जाना है तो बिल्कुल राइट आंसर आपका कमल हसन है वेटर एक्टर कमल हसन नेक्स्ट इज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ट्वेंटी सेवंथ में ट्वेंटी में या थर्टी में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे टी अगर हम बात करें ट्वेंटी को सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डेज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन ट्वेंटी अवेयरनेस के लिए जागरूकता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 हजार तेईस की स्थिति को मनाया जाता है 29th में 28th में 27th में या 26th में तो ऑन विस डेट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ट्राइन ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेडेड तो अगर तो तो हम बात करें राइट आंसर की तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 29th में हो जाएगा एवरी ईयर 29th में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कॉमरेट्स द वन समिट हुई थी एक आ, एवरेस्ट बाय सर इडीमुंडेरी ऑन न्यूजीलैंड एंड तंजानिया नॉर्गे शेरपा ऑफ नेपाल तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विश्व तमाकू निषेध दिवस 2023 को मनाया जाता है ऑन विच डेट डेट इज वर्ल्ड नो टोबैको डेट एंड ट्वेंटी थ्री ऑब्जॉर्व तो अगर हम बात करें बिल्कुल ऑप्शंस दिए हुए थर्टी में थर्टी फर्स्ट में ट्वेंटी नाइन्थ में, में या फिर ट्वेंटी सेवंथ में तो डियर यहां पर राइट आंसर की बात करें तो थर्टी फर्स्ट में हो जाएगा बिल्कुल वर्ल्ड नो टोबैको डे आपका थर्टी फर्स्ट में सेलिब्रेट होता है डब्ल्यू एंड पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स अराउंड द वर्ल्ड विल कम टूगेदर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड नो टुबैको डे है ना दिस ईयर थीम क्या थी ग्रो फूड नॉट टूबैको ग्रो फूड नॉट टुबैको तो ये ये बिल्कुल हमारा वन थर्टी क्वेश्चन था तो ये वन थर्टी क्वेश्चन का सेशन था फर्स्ट मे से लेकर थर्टी फर्स्ट मे तक का तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा है ना और बहुत ही हेल्पफुल ये न्यूजेज आपके लिए ये आपके लिए एमसीक्यूज रहेंगे क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड फॉर्म सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे आप समझ सकते हैं पूरे के पूरे मंथ का कंपाइल्ड सेशन वन थर्टी में लेकर आना इट इज सेलेक्टेड यहां पर देखा गया क्वेश्चन को उसी तरह से यहां पर सेलेक्ट किया गया जो इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस को देखते हुए यहां पर सेलेक्ट किया गया आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट -फड़ से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे वो इसका लाभ उठा सके तो डियर इसी के साथ ही थैंक यू एवरी वन गुड बाय एंड टेक केयर सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट